एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सर्कल। तो चलिए मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे हमने एक बना दिया है सेक्टर। तो इस सेक्टर का जो एरिया है उसने दे रखा है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी सेक्टर का जो आर्क होगा, आर्क मीन्स यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इस लेंथ को उसने दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है यहाँ पे इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटर एंगल है उसको हम लोग लिख लेते हैं थीटा, और आप जानते हो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका वैल्यू है 105। थीटा बाय 360 हमको पता नहीं है इसलिए हमको थीटा यहाँ पे चाहिए, तो अभी हम थीटा निकालेंगे नहीं, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बाय 360 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं। तो आप लिखोगे इसको 105 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपका हो गया पहला रिलेशन जो हमने एरिया से लिखा है। अब एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे आर्क की लेंथ से लिखेंगे। तो आप जानते हो यहाँ पे लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, अभी आपका दिया हुआ है 30 इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब यहां से भी अगर आप थीटा बाय 360 लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 30 बाय 2 पाई आर, ये हो गया सेकेंड रिलेशन। अब ये भी आपका थीटा बाय 360 लिखा हुआ है, ये भी थीटा बाय 360 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर सकते हो। तो इसको इक्वेट कर दीजिए, आप यहां से लिखोगे 105 बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 30 बाय 2 पाई आर। तो पाई से पाई कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, 2 और 30 को कट करोगे तो आ जाएगा 15, मीन्स 15 आर इक्वल टू 105, आर इक्वल टू हो जाएगा 105 बाई 15, और आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर मिलते हैं, थैंक यू।